जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों मैं हूं अभी फिलहाल पुणे में, और दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि पिछले कुछ समय से अपने चैनल पर ट्रेन जर्नीज की वीडियो या फिर रेलवे स्टेशन की वीडियो या फिर ट्रेन रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं आ पा रही है, जिसके लिए मैं आपसे एक बार फिर से माफ़ी मांगता हूँ। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ एक स्पेशल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो रहते हैं स्पेशली पुणे में। दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ हिंजवडी आईटी पार्क में, जो कि वन ऑफ द फेमस आईटी पार्क है पुणे का, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है जैसे कि इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे है। सो दोस्तों आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ हिंजवडी आईटी पार्क, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ फिलहाल लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति है यहाँ की। तो दोस्तों चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं हिंजवडी आईटी पार्क। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी puneri.backpacker। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं जर्नी। सो दोस्तों मैं हूँ अभी फिलहाल मेरे घर के पास, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी बाइक राइड सीधा हिंजवडी के लिए। सो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा हिंजवडी फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3, और दिखाऊंगा कि आप फिलहाल लॉकडाउन के बाद क्या हाल है यहाँ का। तो दोस्तों अभी हम कुछ ही समय में अभी पहुँचने वाले हैं भूमकर चौक, और भूमकर चौक होते हुए हम जाएंगे हिंजवडी। फिलहाल आप देख सकते हैं रास्ते पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है लॉकडाउन के बाद, और अभी हम पहुँच चुके हैं दोस्तों भूमकर चौक। आप देख सकते हैं ये है ऊपर से जा रहा है जो रास्ता, वो है पुणे बैंगलोर हाईवे NH4, और ये कनेक्ट करता है आगे पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे को। दोस्तों अभी हमने भूमकर चौक क्रॉस कर लिया है, और अभी हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, और आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ से हम सीधा यहाँ से राइट लेंगे, और राइट लेते हुए आगे रास्ता जाता है ये लक्ष्मी चौक, और लक्ष्मी चौक होते हुए फेज़ 2 की तरफ जाता है, लेकिन आगे सिल्वर स्पून होटल है, वहाँ से हम एक शॉर्टकट है, तो वो शॉर्टकट यूज़ करके हम डायरेक्टली फेज़ 1 की तरफ जाएंगे। दोस्तों फिलहाल चलते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड ब्रेकर, और रास्ता बहुत ही खाली खाली दिखाई दे रहा है फिलहाल। तो ये आप देख सकते हैं सिल्वर स्पून होटल, और यहाँ से अभी हमने लेफ्ट ले लिया है, और यहाँ से ये रास्ता कनेक्ट करता है सीधा फेज़ 1 को, और ये एक शॉर्टकट है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। और आप देख सकते हैं अभी हम जो मेन रास्ता है वहाँ पे अभी हम पहुँचने वाले हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी रास्ते पर है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे बारिश हो रही है, उसके कारण यहाँ पे फिलहाल पानी रास्ते पर आप देख सकते हैं। और अभी ये लेफ्ट साइड में कस्तूरी होटल है, यहाँ से अभी हमने लेफ्ट ले लिया है, और हम अभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों जो मेन रोड है हिंजवडी का, उसको ये रास्ता कनेक्ट करता है। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, और अभी हम पहुंच चुके हैं हिंजवडी मेन रोड पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई ट्रैफिक सिग्नल या फिर कोई ट्रैफिक खबरदार वगैरह यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है ही नहीं, और बहुत कम संख्या में लोग फिलहाल काम के लिए आ रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा भीड़ भी नहीं है यहाँ पे। और दोस्तों मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे डोमिनोज पिज़्ज़ा, और आगे अभी चलते हैं दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पे राइट साइड में KFC का रेस्टोरेंट भी है, और यहाँ पे अभी लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोल पम्प भी है। तो दोस्तों अभी कुछ ही समय में आएगा बिग बाज़ार, और उसी के साथ साथ विवांता होटल भी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेट्रो का काम जारी है यहाँ पे फिलहाल, क्योंकि फेज़ 3 वाला मेट्रो ही है विवांता होटल, आप देख सकते हैं, और विवांता के बाजू में ही आप देख सकते हैं बिग बाज़ार भी। और जैसे कि मैं आपको बोल रहा था ये फेज़ 3 वाला मेट्रो सेक्शन, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन ऑलरेडी काम जारी है, सेकंड भी काम जारी है, और ये थर्ड सेक्शन है, और ये कनेक्ट करेगा शिवाजी नगर से लेकर हिंजवडी को। सो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं मेन चौक हिंजवडी, और अभी हम कुछ ही समय में पहुँचने वाले हैं फेज़ 1। तो दोस्तों मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं यह है इन्फोसिस की बिल्डिंग, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यह है परसिस्टेंट कंपनी, जो कि बहुत ही फेमस है आईटी के लिए, और यहाँ पे फिलहाल ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ दोस्तों वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है। यहाँ पे अगर लेफ्ट से आप आगे जाओगे तो यहाँ पे सरकारी डाकघर है दोस्तों, और इसके अलावा यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हयात होटल भी यहाँ पे ही है, और उसके बगल में ठीक बगल में है हिंजवडी पुलिस स्टेशन।
सो दोस्तों चलते हैं अभी आगे। यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं लेमन ट्री होटल, और ये आगे सर्कल है, ये सर्कल फेज वन का सर्कल है। यहाँ से अभी हम लेफ्ट लेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। सो अभी दोस्तों मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्कनीजेंट कंपनी है। कॉन्कनीजेंट भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, आईटी कंपनी, और यहाँ पे भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन फ़िलहाल रास्ता आप देख सकते हैं कितना सोना सोना दिखाई दे रहा है। ऐसा ये सिचुएशन मैंने लाइफ में पहली बार देखा है दोस्तों। अगर हिंजेवड़ी में आप आते हो, कभी भी आप आते हो, तो आपको इतना खाली इतना सोना कभी नहीं देखेगा। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है हम सभी के लिए। पूरे भारत में ही ऐसा ही है दोस्तों, कहाँ पे भी जाओ, लेकिन ये खास करके यहाँ पे बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे है हरमन। हरमन भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है आईटी सेक्टर में। और यहाँ पे ब्लू रिज स्कीम के आप हाई राइजिंग बिल्डिंग्स देख सकते हैं आगे। और यहाँ पे कमर्शियल अपार्टमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे आईटी कंपनीज हैं। और अभी चलते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पे अगर आप रात के समय आते हैं ना दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा माहौल होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होटल्स भी है, मैकडोनल्ड वगैरह यहाँ पे है। यहाँ पे क्योंकि बहुत ही बड़ा रिहायशी इलाका है, आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी हाई राइजिंग बिल्डिंग्स, तो यहाँ पे शाम के वक्त अलग ही माहौल होता है। लेकिन फ़िलहाल लॉकडाउन के चलते सब कुछ, सब चीज़ें बदल चुकी है दोस्तों हमारी लाइफ में। तो हम सोचते हैं कि वो कैसे दिन थे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इतना ही सोच सकते हैं कि जल्द से जल्द ये कोविड-19 चला जाए दुनिया से, और हम वापस से अपनी लाइफ पहले जैसे जी सके। तो दोस्तों अभी यहाँ से आगे वाला जो सर्कल है, यहाँ से मैं लूँगा राइट वापस से, और फिर वापस से फेज वन सर्कल की तरफ जाऊँगा। मैं आपको दिखाऊँगा विप्रो फेज वन का, विप्रो कंपनी देखते हैं फेज वन की। तो चलते हैं दोस्तों आगे। सो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं विप्रो फेज वन की तरफ, और आप ये सर्कल देख सकते हैं। और मेरे लेफ्ट साइड में अभी आएगी विप्रो फेज वन की, और उसकी शानदार जो उसका गेट है वो भी आप देख सकते हैं कुछ ही समय में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेनबो गेट विप्रो का। और अभी चलते हैं दोस्तों आगे, और आगे और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे दोस्तों फेज टू वाले रास्ते को। तो आप देखिए फिलहाल यहाँ का नज़ारा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। अगर आपको कुछ कमियां लगती है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाले वीडियोस में वो कमियां मैं दूर करने का मेरे तरफ से 100% प्रयास करूँगा। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं फेज टू के रास्ते पर। मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र बैंक, और उसके अलावा आगे आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी का शोरूम, यहाँ पे सर्विस सेंटर है। और यहाँ पे आगे आपको HDFC बैंक भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक होटल भी है दोस्तों, और फ़िलहाल होटल्स तो बंद चल रहे हैं, इसके कारण यहाँ पे होटल्स में तो फ़िलहाल कोई नहीं है। और फिलहाल यहाँ पे चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत सारी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं, और लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे एक मॉल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है दोस्तों। ये मॉल बनने के बाद वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल रहेगा ये पिंपरी छोड़ एरिया का, और हिंजोड़ी में जो रहते हैं खास करके उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये फिलहाल। और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे ICICI बैंक। और दोस्तों कुछ ही समय में अभी हम पहुँचने वाले हैं फेज टू विप्रो सर्कल। आप देख सकते हैं राइट साइड में विप्रो कंपनी इतनी शानदार दिखाई दे रही है। और आगे जो ग्रे कलर की आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है राइट साइड में, वहाँ से चालू होती है इन्फोसिस, और वो जो बिल्डिंग है वो पूरी पार्किंग एरिया है दोस्तों। पार्किंग के लिए उसको यूज़ किया जाता है इन्फोसिस कंपनी में। आप देख सकते हैं आईबीज होटल। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी है दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ भी है। तो कुल मिला के हिंजेवड़ी आईटी पार्क वन ऑफ द टॉपेस्ट आईटी पार्क आप बोल सकते हैं इंडिया का।
और बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं। और आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं ये आइकॉनिक सर्कल बिल्डिंग इंफोसिस की, जो आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में, वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे आपने ये देखा होगा। तो दोस्तों चलते हैं अभी आगे, फेज टू ख़त्म करके अभी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों अभी हम कुछ ही समय में पहुँचने वाले हैं फेज थ्री की तरफ। यहाँ पे बहुत सारे रिहायशी इलाके भी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी हाई राइजिंग बिल्डिंग्स, क्योंकि लोग यहाँ पे जॉब करते तो यहीं पे रहना भी पसंद करते हैं, इसीलिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लोग यहाँ पे कर रहे हैं, फ्लैट्स ले रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है एक सिटी को ग्रो करने के लिए, और लोग भी इसके कारण ग्रो हो रहे हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं लगभग फेज थ्री के पास, मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी है, जहाँ पे वन ऑफ द फेमस एक कंपनी जिसका नाम है दोस्तों इक्लर्स कंपनी, और इक्लर्स भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी कंपनी और भी है दोस्तों। और दोस्तों हम फेज थ्री के सर्कल के पास आ चुके हैं, और अभी कुछ ही समय में हम क्रॉस करेंगे टेक महिंद्रा कंपनी को, जो कि वन ऑफ द फेमस और बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। और ये कंपनी आप देख सकते हैं इसके बगल में बहुत सारे माउंटेंस हैं, और माउंटेंस के बीच में ये कंपनी है। इसमें काम करना एक बहुत ही अलग ही एहसास है दोस्तों, इसका एक अलग ही मज़ा है। राइट साइड में आपने देखी होगी अभी वो थी टेक महिंद्रा कंपनी, और अभी सामने आप देख सकते हैं ये बड़ी सी इसकी अलग शेप में बनाया है, इसको TCS है दोस्तों ये, और TCS देख सकते हैं कितनी शानदार दिखाई दे रही है। इसको पूरा इसको अगर आप इसका बिल्डिंग का डिज़ाइन देखें तो वो अपने आप में बहुत ही शानदार है। और ये सामने जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही है ये है सिनेपोलिस की बिल्डिंग, और ये बहुत ही बड़ी स्कीम है दोस्तों हिंजवाड़ी फेज थ्री की। और राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर है TCS, और लेफ्ट साइड में है टेक महिंद्रा। दोनों कंपनियाँ आप देख सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट है। और फिलहाल यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे स्टॉल्स थे, खाने पीने की चीज़ें थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो फिलहाल बंद चल रही है, अभी तक उनको खोलने का मौका नहीं मिला है, और ज़्यादातर लोग है भी नहीं यहाँ पे, इसीलिए वो फिलहाल बंद ही चल रही है। सो गाइज अभी समय हो चुका है ये वीडियो यही पे एंड करने का। तो गाइज मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही में अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम ID puneri.backpacker पे। सो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।